में लिखा है, गर्ग संगीता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संगीता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी तब भगवान का विवाह यही भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है, है? मनुस्मृति में और वेदों में बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। भाई पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा, पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी, सुना है परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी, सुना है ये बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है पर हाँ? फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। क्या नहीं लिखा है? क्या बाल विवाह करना चाहिए मनुस्मृति? भाई बाल विवाह की परंपरा आज बनी है हमारे यहाँ, बाल विवाह इत्यादि हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़कियों के भागने के हैं वो समय से विवाह ना करने के हैं, इसलिए भगवान पहले जैसे हमारे दादा दादियों में भी विवाह हो जाता था लेकिन जब लड़की समझदार हो जाती थी तब उसका विदाई बाद में होती थी, ये परंपरा रही है। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि राधा जी ना जो कृष्ण भगवान थे यशोदा मैया थी उनके भाई की घरवाली का भी नाम राधा था, ये ब्रह्म पुराण खुद मैंने पढ़ा है। राधा नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है उसमें क्या है, पर जो राधा से भगवान का विवाह हुआ वो वृषभानु नंदिनी है। पर गुरु जी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम ना। बेटा महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले हैं उनमें अलग है और जो दो गीता गुरु प्रेस वाले हैं वो अलग है। हाँ तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड है बताओ? गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड है? मेरे जो भीष्म पर्व पढ़ा है ना उसमें केवल भीष्म पर्व में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा उन्हीं कृष्ण का पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला, जो गीता कही कृष्ण अलग है और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? पुराणों वाले कृष्ण वो भी अलग है। ये कहाँ सीख लिया आपने, कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरु जी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो है? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ प्रतिदिन हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत बनाने हिंदी बता सकता हूँ? हाँ हिंदी बताओ। जो युद्धस्तर के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो हाँ वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ध्यान नहीं आ रहा। और पढ़े पूरी हो और क्या? तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने? उल्टा नहीं गुरु जी, तो सीधा बताओ आपको मैं बताऊँ गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ 1-1.5 साल हो गए। जो पुराणों में कृष्ण है वही गीता वाले कृष्ण है, कृष्ण दो नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि दो कृष्ण और तीन, कहाँ पढ़ लिया, किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में झूठे फैलाए जा रहे हो? ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरु जी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ तो फिर काहे दो कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक है? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं, अब आप कहो कि वो अलग है वो, अरे भैया नाम अलग हैं, है तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों था? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके, कथा सत्संग करते हो? हाँ सुनता हूँ मैं। हाँ कई बार हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं, सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो है, पर पत्नी है पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है, तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी समाज को ये मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन है बेटा? रुको, ओ भैया पीली मैया सब रुक जाओ। रुक्मणी कौन है? राधा कौन है आप बताओ, राधा कौन है? राधा, हाँ राधा जो आज की जो लोग मानते हैं वो उनके प्रेम का के रूप में मानते हैं। तो मानते हैं तो क्या हुआ, मानने वालों को कैसे मान लें कि वो सही, शास्त्र जो कह रहा है वो मानो ना, लोगों की क्यों मानते हो? ऐसे तो लोग कुछ भी कहते हैं, लोग कह देंगे कि ये तुम्हारा बाप नहीं है तो तुम मान लोगे? भाई तुम अपनी माँ की बात प्रमाणित मानोगे कि पड़ोसियों की? जो मैंने पढ़ा है तो पहले ये बताओ कि तुम अपने बाप का प्रमाण पड़ोसियों से मांगने जाओगे कि अपनी माँ से? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि तुम अपने बाप का प्रमाण तुम पड़ोसियों से मांगोगे कि अपनी माँ से?
पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, माँ से मांगूंगा, माँ से मांगूंगा। तो वेद पुराण शास्त्र हमारी माता है, जो वो कहते हैं वो मान लो। अब तुम दुनिया क्या करे उसका ठेका क्यों लिए बैठे हो? मैं दुनिया का ठेका नहीं ले गुरु जी। हाँ, जो मैंने पढ़ा। तो राधा प्रेमिका है कृष्ण की, प्रेमिका ठीक है प्रेम करती है, हाँ। पर पत्नी भी है। अधूरी बात ना कहो कि सिर्फ प्रेमिका है, राधा भगवान की पत्नी है। और राधा और कृष्ण ये दो तत्व नहीं, जैसे मिश्री और मिठास ये दो नहीं है, एक ही है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण दो नहीं। जब उद्धव जी का प्रसंग पढ़ोगे तब यहाँ बात समझ में आएगी। महाभारत में तो ऐसा बताया नहीं गया, राधा जी का नाम भी तो कहीं आता भीष्म पितामह जब कृष्ण जी का। भैया महाभारत तुम्हें कितने पुराण होते हैं? 18। तो 18 पुराणों में आपको कितने पुराणों में राधा का नाम दिखा दूं? कई पुराणों में दिखा दूं तो क्या तुम महाभारत, अरे महाभारत में वहां महाभारत चल रहा है, हाँ। तुम जब उस प्रसंग को पढ़ोगे तब ना पूरी। अब तुम भीष्म पर्व पढ़े बैठे हो, 7 खंडों में गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत निकलती है, जिसमें 1,00,000 श्लोक होते हैं। जब पूरा पढ़ोगे तब ना समूचा ज्ञान होगा। एक श्लोक पढ़ के तुम्हें ज्ञान हो जाएगा सारा। तो और कहीं राधा जी का नाम भी तो नहीं आता है? अरे मेरे भाई कितनी बार बताएं, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लो, पूरा भरा पड़ा है। गर्ग संहिता पढ़ लो, भरी पड़ी है राधा नाम से। अब तुम्हें मानना नहीं है, तुम होशियार बने बैठे हो तो हम क्या करें? मैं होशियार नहीं बनूं, मैं बस। तो क्यों नहीं मान रहे हो बताओ? तुम राधा को प्रेमिका कह रहे हो, पत्नी, जब शास्त्र कह रहे हैं कि वो पत्नी है, तुम जबरदस्ती परेशान क्यों हो रहे हो? जैसे सनातन समीक्षा नाम का एक चैनल है, किसका? सनातन समीक्षा, हाँ। उसमें इतिहास में जो हमारे जो हिस्ट्री में जो मूर्तियां मिली हैं, हाँ, सबकी मूर्तियां मिली हैं, हाँ। रुको बेटा, गणेश जी की, हाँ, और वो राम जी की, हाँ, राम जी की, और भी, हाँ। और राधा जी का कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम्हारी बुद्धि दिवालिया हो गया, तुम्हारी बुद्धि का। राधा बोलो, आधार बोलो, आधार आपकी मर्जी बोल गया। नहीं पहले बोलो आधार, आधार 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 आधार, जो आधार है सृष्टि का वही राधा है बेटा। राधा तत्व को समझने के लिए, ये राधा तत्व को समझने के लिए आपको अभी सत्संग की जरूरत है बेटा, है ना? तो गुरुजी चार पुस्तकें पढ़ने से